हाय फ्रेंड्स, मेरे को माने वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपसे पॉलिटर सा नमस्कार। ये जो दो इंसान आप देख रहे हो पीछे जो है गुरु रंधावा और साई मंजरेकर, इनका डेब्यू किस तरीके करा है। हालांकि साई मंजरेकर तो आप पहले भी देख चुके हो, बट गुरु रंधावा के बहुत सारे फैंस हैं, तो वो किस तरीके की एक्टिंग करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये मूवी देखने लायक है कि नहीं है, और जैसे कि इसका नाम है कुछ खट्टा हो जाए तो ये एक्चुअली में खट्टा कर देगी मन के, मीठा करेगी। वैसे तो यहाँ पर खट्टा तो इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिठाई की दुकान की बात हो रही है, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं इधर वाले, इनकी मिठाई की दुकान है और इनके प्रेशर डाले गुरु रंधावा के ऊपर के भैया जाके शादी वादी कर लो, तो ये मैडम से शादी कर लेते हैं। मैडम के अपने एम्बिशन है, वो बहुत ही ज़्यादा आईएएस ऑफिसर टाइप का कुछ बनना चाहती हैं, और ये भाई साहब की ज़्यादा कोई एम्बिशन नहीं है। इनको पता है कि भाई मैं लाइफ में अपनी एम्बिशन कर लूँगा, तो क्या ये दोनों अपने आपको सेल्फ डिस्कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जो मजबूरी में उन्होंने शादी करी है ये इसको निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। और इस पूरे सिलसिले के अंदर इन दोनों से एक झूठ भी बोला चला जाता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड हस्बैंड। क्या ये फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, और क्योंकि ये जो लड़की है ये सिर्फ डॉटर नहीं है, डॉटर इन लॉ है, तो क्या इसके एम्बिशंस के ऊपर रहता फैल जाएगा कि वो जेन्युइनली फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। इस सब के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसका आंसर बोलते बोलते आपको पता चल गया होगा कि जब तक कहानी अच्छे से ख़त्म नहीं होती है तब तक दी एंड भी नहीं होता है। तो वैसी ही कहानी है, थोड़ी प्रिडिक्टेबल तरीके के जोन में चलती है, लेकिन हैप्पी गो लक्की है। स्पेसिफिकली लीला अरुण का जो रोल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा इस बारी। अनुपम खेर भी कुछ अलग करते हुए नजर आए, हालांकि वो काफ़ी रिपीटेटिव एक्टिंग करते हैं। गुरु रंधावा कम रोल है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा देखोगे, बट क्योंकि उनकी चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, स्माइल करता रहता है और थोड़ा सा जोवियल टाइप का रहता है, तो आपको मज़ा आता है उसको देखने के लिए। बाकी मूवी के अंदर गाने ठीक है, लेकिन डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मूवी थोड़ी सी आपको ड्रैग भी लगती है, और थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि मुझे और चीज़ें होती भी नज़र आनी चाहिए। अगर जैसे इसके अंदर कोई आयुष्मान खुराना होता, बॉय नेक्स्ट डोर टाइप ही इस तरीके की मूवी के अंदर, वो थोड़ा सा और अपलिफ्ट कर देता इस तरीके के मूवी के अंदर, तो आपको एक्टिंग खलती है गुरु रंधावा की। बट क्योंकि भाई साहब को लॉन्च होना था तो वो हो गए, पर इनकी गलती नहीं है, ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो लॉन्च होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सोनू निगम भी एक्टिंग कर चुके हैं, आपको पता है किस तरीके की करी थी। फिर उसके बाद रमेश रेशमिया मैंने भी करी है, और काफ़ी लोग करते ही हैं, इनको भी चांस मिलना चाहिए। तो इन्होंने ठीक ठाक ओकेश टाइप का मैं बोलूँगा डेब्यू किया है, बट ओवरऑल बेसिस पे मूवी आप देखोगे तो खुद अच्छा सा टाइम पास है। ये मूवी मेरे ख्याल से थिएटर एक्सपीरियंस वाली नहीं है, ये OTT पे रिलीज होती तो इसका कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप पैसे देके जा रहे हो और फिर आपको लगता है कि बिल्कुल परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच होनी चाहिए आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, थोड़ी सी कमी आपको जरूर खलती है। दूसरा, जो इसके जोक्स भी हैं वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि 50% ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो फैमिली ओरिएंटेड है, 50% ऑफ द टाइम लगा कि थोड़े से हल्के से चीप भी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा राइटिंग की हल्का सा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लगा। बट लार्जली अगर आप थोड़े से ओपन माइंडेड हो तो आपको ठीक ठाक निकल जाएगी, और अगर गुरु रंधावा के फैन हो तो आप हर सीन में कोशिश करोगे कि वो आए और आप उसकी ग्लिम्प्स देख लो। हालांकि ज़्यादा डायलॉग्स नहीं मिले हैं इनको, थोड़ा स्माइल वाइल और साइड शॉट से ज़्यादा काम चलाया गया। मूवी शूवी स्कोर अगर मैं बात करूँ तो 6.5 मेरा रहेगा। इट्स अ ओके डिसेंट वॉच, नथिंग वेरी वेरी स्पेशल। बाय बाय।